सवाल है कि किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया है, उनके बेटे बहू दुबई में है, इंडिया में कोई नहीं है, वो अकेले ही इद्दत के अय्याम में ये वो दुबई जाके अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, या फिर घर में ही रहें कि इद्दत पूरी करनी होगी? देखें जी, ये मामला जो है ना इद्दत का, ये मामला मुख्तलिफ शक्लों में पेश आता रहता है। अगर कोई ऐसे घर में हो जहाँ उसका शौहर फौत हुआ है और उस घर में उसके लिए जिंदगी गुजारने के सारे इंतजाम मौजूद हैं, तो उसे उसी घर में इद्दत पूरी करनी है 4 महीने 10 दिन, क्योंकि मुतवफी अनहा जो है उसकी इद्दत, जिसका शौहर फौत हो जाए, बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन। कुरान करीम ने फरमाया अरबाता अशहरिन व अशर। और मुख्तलिफ शक्लें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ खवातीन ऐसी हैं कि वो मुल्क से बाहर होती हैं और शौहर के साथ होती हैं, शौहर फौत हो गया, कंपनी वालों ने उसके बीवी बच्चों की इस मुल्क से रवानगी का इंतजाम कर दिया, खरूज या एग्जिट लगा दिया। अब जाहिर है कि उसको इस घर में रहने की इजाजत कंपनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं रही, तो वो यहाँ से सफर करके ऐसी जगह तय कर ले कि जहां बाकी के दिन जो है वो उसे गुजारने हैं। अब ये नहीं कि सऊदीया से वो बॉम्बे, कराची या जिस मुल्क में, ढाका एक मरतबा चली गई, फिर वहां से जाके कहा कि अब मैं सऊदीया से इतनी दूर से आ गई हूँ, तो अब मैं इधर उधर भी अपने शहरों में बेटों के पास, बेटियों के पास जा आलिया करूं, ये जायज नहीं होगा। एक सफर उसका मजबूरी है, वो कर ले, लेकिन उसके बाद अगर कोई मर जाए तो उसकी ताज़ियत के लिए नहीं जा सकती, किसी की शादी हो शादी में शिरकत नहीं कर सकती, और अगर कोई बीमारी या कोई ऐसी मर्ज लाहक हो जाती है कि उसकी दवा घर में नहीं हो सकती बल्कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तो उसके लिए जा सकती है। अब ये भी नहीं है कि वो घर में मर जाए तो मर जाए, डॉक्टर तक भी नहीं जा सकती, डॉक्टर तक जा सकती है, अस्पताल में जाए, लेकिन ताजियत के लिए, अफसोस के लिए और ये के लिए वो के लिए, बल्कि अफसोस का लफ्ज जो बड़ा मशहूर हो चुका है, हर कोई कहता है कि अफसोस करने के लिए आए हैं, यानी आदमी फौत हो गया उस पे अफसोस, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था, और बहुत सारे लफ्ज मौजूद हैं, ये लफ्ज छोड़ना चाहिए, अल्लाह के हुक्म पर अफसोस करना। बहरहाल इन कामों के लिए कहीं नहीं जा सकते। अब यहाँ मसला ये है कि खातून इंडिया में फौत हुई, खातून का शौहर इंडिया में फौत हुआ और उसके बाल बच्चे बाहर हैं, किसी भी मुल्क में हैं। अगर वो वीजा अरेंज कर देते हैं फौरी तौर पर, विजिट वगैरह, और ये वहां जाना चाहती है तो जा सकती है, बस एक मरतबा सफर करके अपने बेटे के घर में चली जाए। बेटे दूसरे शहरों में भी हैं, मसलन उसी मुल्क में, तो वो दूसरे किसी बेटे के यहाँ नहीं जा सकती। जिस बेटे के यहाँ वो 4 महीने गुजारेगी, 4 महीने 10 दिन पूरे करेगी, उस एक बेटे के घर जाए, वो जिस शहर में है, जिस मुल्क में है, एक मरतबा, तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस घर में शौहर फौत हुआ अब उसमें दूसरा कोई है नहीं, कोई तावन करने वाला नहीं, जाहिर है कि इस्लाम उसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ देगा। अगर ऐसा मुमकिन है कि उसका कोई भांजा औरत का, उसका कोई भतीजा, उसका भाई, कोई जो महरम है वो उसके साथ तावन कर सकता है, खाना पानी मुहैया करता रहेगा, मौका ब मौका आता देख रेख करता रहेगा, तो फिर उसे उसी घर में रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं है तो वो अपने बेटे के पास जा सकती है, बेटा जहां भी हो, लेकिन एक ट्रेवल, सिर्फ एक मरतबा जाए, जहां जाके वो मुस्तकिल बैठ से।